दरभंगा में कोरोना को लेकर के बड़ी खबर आ रही है कि दरभंगा में आज 49 कोरोना नए मरीज आए हैं, वहीं मधुबनी में 90 और समस्तीपुर में 47। ये डरावनी तस्वीर है। इसी बीच हम बता दें, दरभंगा DMCH के निरीक्षण के उपरांत प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार ने परीक्षा भवन में डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर के उद्घाटन के उपरांत संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ बिंदुओं पर बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने हेतु दरभंगा के प्रचार DMCH को 2 दिनों का समय दिया गया है। इन 2 दिनों के उपरांत पुनः उसकी समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि आयुक्त दरभंगा प्रमंडल मयंक बड़बड़े इसका अनुश्रवण करेंगे। तो हम बता दें, दरभंगा में मुख्य सचिव ने कोरोना को लेकर के ऑनलाइन बैठक भी की है, जिसमें कोरोना 19 जांच के दर को बढ़ाने का निर्देश दिया है। वल्नरेबल लोगों के लिए प्रतिदिन यहां जांच हो, इसका उन्होंने आदेश दिया है। इसके साथ हम बता दें, मुख्य सचिव दीपक कुमार ने COVID-19 कोरोना को लेकर के ऑनलाइन बैठक की। बैठक में उन्होंने स्वास्थ्य सचिव को कहा कि कोरोना की जांच के रिपोर्ट 24 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैसे जिनका पॉजिटिव रेट अधिक है, वहाँ RT-PCR जांच की दर बढ़ाई जाए। अभी जितना लक्ष्य दिया गया है, उसका 3 गुना जांच कराई जाए। उसी लक्ष्य के अनुसार 3 गुना सैंपल भी कलेक्शन किया जाए। इससे संबंधित जिलाधिकारी ने प्रखंडवार लक्ष्य निर्धारित करने को कहा है। हर 2 दिनों के बाद 1 दिन RT-PCR जांच के सैंपल कलेक्ट किए जाएं। उन्होंने कहा कि 7 दिनों के अंदर कंटेनमेंट जोन के अंदर पड़ने वाले सभी घरों का 70% जांच करा ली जाए। उल्लेखनीय है कि कंटेनमेंट जोन के अंदर 25 घर पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि जो वल्नरेबल ग्रुप के लोग हैं, उनके यहाँ स्वास्थ्य कर्मी का प्रत्येक दिन भ्रमण होना चाहिए। मुख्य सचिव ने प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग को इस आदेश को सभी जिलों में शीघ्र लागू करने का भी निर्देश दिया है। प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि वर्तमान में प्रत्येक दिन 4000 RT-PCR एवं 4400 ट्रिनेट जांच कराई जा रही है। रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए किट्स की कोई कमी नहीं है। बिहार में प्रत्येक दिन 15,000 से 20,000 COVID-19 की जाँच कराई जा रही है। बड़े जिलों में RT-PCR की जाँच बढ़ा दी गई है। ऑनलाइन बैठक में प्रधान सचिव ने स्वास्थ्य विभाग के प्रत्येक अमृत आयुक्त के साथ दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त मौजूद थे। इसके बाद दरभंगा DM डॉक्टर त्यागराजन SM ने इस संबंध में जानकारी दी। वहीं दरभंगा में मुख्यमंत्री को दरभंगा DM के द्वारा बताया गया कि किस तरह सैनिटाइजिंग के लिए एक नई व्यवस्था कायम की है। लेकिन इसी बीच हम बता दें, दरभंगा के आइसोलेशन से एक और बुरी खबर आई है। दरभंगा के आइसोलेशन से एक तस्वीर आई है, जिसमें आज सुबह समस्तीपुर के एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जो डीलर था। उसकी लाश छटपटाते हुए पड़ी हुई मिली, जो सबसे दर्दनाक घटना की ओर इंगित करता है। बता दें, आज दरभंगा में 49 कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, समस्तीपुर में 47 और मधुबनी में 90। दरभंगा में 1300 के आसपास कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन आइसोलेशन में मौत की घटना लोग